कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। तो जी आज मैं ना एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम अगर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये काम आप लोगों तक पहुँचे, यानी कि ये हेल्प आप तक पहुँचे और कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो मैं काम क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। चीज़ें नहीं लाएगी, जब सामान लाऊंगी फिर बताऊंगी। तो जी ये है कॉफ़ी केटल भी बोलते हैं इसको, टी केटल भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर बाहर कंट्रीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो मैंने इतना इसको नहीं देखा। तो ये मैं लाई थी जुमेरात बाज़ार से, शायद आपके साथ मैंने इसकी वीडियो भी शेयर करी होगी। ये मलिक साहब को अच्छी लगी थी तो उन्होंने बोला चलो इसको ले लेते हैं, मुझे आप कॉफ़ी बना के दिया। वैसे भी सर्दियाँ तो सर्दियों में कॉफ़ियाँ तो चलती हैं, ग्रीन टी वगैरह, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, इस तरह से इसमें बनती है। लेकिन इसमें यह मसला है कि ये ऊपर से तो मैंने इसको ना ज़रा चमका चमकू दिया था, लेकिन मसला ये कि अंदर जो है ना ये वाला, इसके अंदर ये बाहर कंट्री से जो सामान आता है, आपको पता है यूज़ सामान होता है, कोई ना कोई यूज़ करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कॉफ़ी पका के ना इसके अंदर, तो उसको बाद में वॉश अच्छी तरह नहीं किया गया है और वो कॉफ़ी इसमें बिल्कुल इस तरह जम गई है जैसे कि जंग होता है। तो अब उसी जंग को मैंने हटाना है, लेकिन उसको हटाने के लिए मैं जो तरकीब करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैं बताती हूँ करना क्या है मैंने, फिर मैं आप लोगों को टेबल पे लेके चलूँगी। ये जो है ना, इसके अंदर सारा कॉफ़ी जो है वो जंग की तरह जम चुकी है। तो ये देखिए, आप सब देख सकते हैं अंदर से, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना। तो ये अंदर से मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से कॉफी जो है जंग बन चुकी है अंदर। तो जी अभी मैंने वीडियो की शुरुआत तो कर दी, लेकिन मुझे मुश्किल बहुत होती है क्योंकि मुझे छोटे छोटे कामों के लिए कैमरे को कभी इधर कभी इधर, अभी मुझे क्लोज से आपको दिखाना था तो मुझे कैमरा यहाँ लाना पड़ा, अब मैंने वापस पीछे रखा। खैर तो जी मसला ये आ रहा है कि ये जो केटल है ये वाइस पे नहीं, वाइस इसको नहीं पकड़ेगी। तो ये अगर वाइस पे डालेंगे तो ये सिल्वर है, इसको वाइस को जब जोर देंगे दबाएंगे वाइस से तो ये जो है पचक जाएगी, सही है। और इसको हाथ में पकड़ के अगर अंदर से मैं सफाई करती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सफाई करनी है तो वो ख़तरा होगा, सही है। तो इसलिए मैं इसको जिस तरीके से आप करने चाह रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पहले अपनी टेबल सेट करूँगी, सामान सेट करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी।
तो जी ये मैंने अभी वॉइस का काम किया है, यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो है वॉइस में मैं अगर दबाऊंगी तो ये वॉइस के ज़ोर से दब जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि मैंने जिस तरीके से इसको दबाया है तो ये ना ही तो दबेगी और ना ही इसकी चूड़ियाँ ख़राब होंगी, क्योंकि मैंने इसमें अभी चलानी है ड्रिल मशीन के आगे मैंने लगाया हुआ है वायर ब्रश गोल वाला, तो उससे अभी मैं इसके अंदर की सफ़ाई करूँगी। लेकिन इसके अंदर की सफ़ाई करने के लिए उसको चलाने से पहले मैंने इसमें डालनी है बजरी और थोड़ा सा पानी। वो बजरी और थोड़ा सा पानी अंदर क्या काम करेगा अभी मैं आपको बता दूँ कि वो बजरी और पानी इसके अंदर जब जाएगा तो उसके अंदर जब वायर ब्रश चलेगा ना तो इसका जो जंग है वो उस ब्रश से उतर जाएगा। ये मेरी टेक्निक थी पर्सनल, ये अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी मेरी टेक्निक्स को आजमाते रहा करें, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ दिखाती हूँ। Thank you.
कैसा लगा मेरा ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर बताइए कमेंट में। अभी मैं इसको जो है ना पानी से वॉश करूँगी, साफ़ पानी से, और जो मैंने जंग आपको शुरू में दिखाया था ना वो तो आई एम 100% श्योर कि ये हट चुका होगा। ये मैंने चूड़ियाँ इसको निकालने के लिए चढ़ाई थी, अभी मैं इसको वापस खोल के इसमें से मट्टी निकालूंगी, फिर इसको वॉश करूंगी और फिर इसमें आपको चाय पका के भी दिखाऊंगी। ये जो रहती थी ना बजरी, इसने जो है अंदर जाके रेगमाल का काम करा है। ऐसे में अगर इसमें रेगमाल मारती तो ये मेरा हाथ से वैसा नहीं हो सकता था जो कि इसमें वायर ब्रश ने काम करा है। तो अभी मैं इसको धोने जा रही हूँ, इसको धो के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा काम कर जाऊंगी, वाह जबरदस्त। तो जी इसको मैंने अभी साफ सुथरा कर दिया है। ये मैं काफी टाइम से ना सोच रही थी, इसको मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करा साफ़ करने का, लेकिन मैं हिम्मत हार के मैं इसको रख दिया। मैंने बोला मुझसे नहीं हो रहा, तो आज एकदम जहन लड़ा तो मैंने बोला चलो मैं ऐसे करती हूँ। ये देखिए आप सब, ये अभी बिल्कुल ओके हो चुका है चाय पकने के लिए। मैं आप सबको ना चाय पका के भी इसमें दिखाती, लेकिन मसला ये हुआ ना कि सिलेंडर में से गैस ही ख़त्म हुई हुई है, और यह है कि अगर इसको मैं रखती हूँ लकड़ियों पे तो ये काला हो जाएगा। हाँ तो जी इसमें चाय पकती कैसे ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैं पका नहीं सकती अभी, सही है। तो इसके अंदर आप लोग डालेंगे पानी, सिर्फ पानी, सही है। इसमें पानी डालने के बाद हाँ जो चाय, तो हम लोग चाय में हम लोग चीनी तो पीते ही, इसलिए पानी के साथ जो है आप लोग चीनी डाल दें, सही है। उसके बाद इसका क्या काम है मैं बताती हूँ। पानी और चीनी इसमें डालने के बाद हसबे दरवाज़ा इसमें 2 से 3 कप बनते हैं। 2 से 3 कप आपने इसमें पानी डालना है और उसमें आप जितनी चीनी यूज़ करना चाहें वो उसमें डाल दी। उसके बाद आप इसको रखेंगे ऐसे, तो इसके अंदर आएगी फिर पत्ती या ग्रीन टी या कॉफ़ी जो भी डालनी हो, जितनी भी डालनी हो वो इसके अंदर आएगी, इस छन्नी के अंदर, ये देखिए, सही है। उसके बाद इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ऐसे और इसको उठा के पूरे को ले जाएंगे चूल्हे के ऊपर, इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर। फिर जब ये पकना शुरू करेगी ना तो जो स्टीम के ज़रिए जो है ना, स्टीम जो होगी इसके पानी की स्टीम बनेगी ना गैस से, तो इस स्टीम के ज़रिए ये पत्ती तक आएगा और पत्ती को पकाता हुआ अंदर आएगा। इधर एक पाइप भी है, ये पाइप है, इस पाइप से इधर सुराख है, इसके अंदर ये चाय जो है सारी जमा हो जाएगी। मैं किसी दिन आपको पका के दिखाऊंगी, यानी पकने के बाद चाय इधर आएगी और आप इसके अंदर से इजीली ऐसे करके चाय पीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो जी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं जो है ना चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल कंटेंट जो है बनाती रहा करूँ, ताकि किसी ना किसी की हेल्प होती रहा करे। दूसरी बात यह है कि मैं जिस तरह की वीडियोज़ बना रही हूँ तो इससे ही होगा कि मैं जो है ना, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है गूगल मुझे रिकमेंड करेगा, आपकी भाभी आप सबको गूगल पे नज़र आएगी, सही है। तो ये हेल्पफुल कंटेंट जो होते हैं गूगल को बहुत ज़्यादा पसंद है। व्लॉग्स तो मैं बनाती हूँ, तो व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि टाइम पास हो जाता है। तो यह है कि मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि मैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाती रहूँ। मुझे फ़ख्र होता है मेरे पाकिस्तानी होने पर, जिस टाइम पर मेरा बहुत काम देख कर मुझे गूगल रिकमेंड करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि एक पाकिस्तानी फ़ीमेल इतना दुनिया में उसका नाम रोशन हुआ है। तो बस उसके लिए आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट मुझे ज़रूर करते रहा करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें, मैं लाइक देख के बहुत खुश होती हूँ, सही है। और शेयर भी कर दिया करें ताकि कोई ना कोई हेल्प ले सके वीडियोज़ से। तो बस उसके साथ ही मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में आपको मैं इस पर चाय पका के भी दिखाऊँगी। तो आप लोग जो नए हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। इसके साथ ही आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।